हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम नाइन्थ क्लास के टर्म वन में आने वाले एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम आपकी इतिहास की बुक के जो है उसका पहला चैप्टर लिया है, जो आपके टर्म वन में आने वाला एकमात्र चैप्टर है, और पाठ का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका हम पार्ट वन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कृपया आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और शायद आपको एक तरीके से चैप्टर की जो पृष्ठभूमि है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने पहला वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो चैप्टर है उसका फैलाव क्या क्या है, मतलब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर करा चुके हैं, जिसमें हमने आपके इंट्रोडक्शन से बनने वाले 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न करे थे। आज हम 5 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में हम पढ़ेंगे कि भाई समाज कैसा था वहाँ का। ठीक है, फ्रांसीसी समाज किस प्रकार का था, और जब क्रांति शुरू होती है तो किस प्रकार से लोगों को जीने के लिए एक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और कैसे वहाँ पे समाज जो है एक असमानता भरा सामंती समाज होता है, सामंती समाज क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत जो है वो किस प्रकार से होती है। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1789 में क्रांति की शुरुआत होती है, जब बास्टिल नाम की एक जो जेल है वो गिरा दी जाती है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रांति की शुरुआत हुई थी, और फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई थी। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम सिर्फ आज ये वाला पोर्शन जो है पूरा कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला ये देखिए, ये है आपका फ्रांसी 18वीं सदी का उत्तरार्ध और फ्रांसीसी समाज, मतलब 1750 के बाद का फ्रांस किस तरीके का था और समाज वहाँ पर कैसा था। पहला प्रश्न है कि फ्रांस में किस राज्य का वंश था। तो फ्रांस में जो राजा शासन कर रहे थे वो कौन से वंश से संबंधित थे। जिस तरीके से भारत में अकबर जहांगीर वगैरह मुगल वंश से संबंधित थे, उसी तरीके से फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस टाइम पे लुई सोलवा का शासन चल रहा था। उसी तरीके से लुई सोलवा से पहले लुई चौदवा, लुई पंद्रवा, ऐसे बहुत सारे शासक जो थे वो बने थे। और ये सब किससे संबंधित थे, ये सब आपके बूर्बो डायनेस्टी से यानी कि बूर्बो वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लुई सोलवा के राज्य रोहण के समय फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था। अब देखिए, अगर लुई सोलवे की बात हो रही है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट बताना चाहूँगी कि जो लुई सोलवा थे वो महज 20 साल की उम्र में फ्रांस के राजा बने थे, और उनका 20 साल की उम्र में ही विवाह हुआ था, और उनकी जो शादी है वो किससे हुई थी, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से हुई थी, और जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। ठीक है, तो जब वो राजा बने थे तो फ्रांस का जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली था, उसके पीछे क्या क्या कारण थे अब आप जो है बताइएगा। लंबे अरसे के चलते युद्ध के चलते फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे। नंबर 2, वर्साय के बड़े महल और राज दरबार की शान और शौकात को बनाए रखने में बहुत खर्चा आता था। नंबर 3, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से मुक्त करवाने के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर आपके उपरोक्त सभी ही हैं, क्योंकि देखो जब फ्रांस में लुई सोलवा राजा बनता है तो वो देखते हैं कि फ्रांस का जो वित्तीय राजकोष है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि राजा बनने से पहले ही फ्रांस बहुत सारे युद्धों में जो है शामिल था, जैसे कि वो 7 ईयर वॉर में भी लड़ रहा था। ठीक है, और फिर ब्रिटेन के जो उपनिवेशवाद थे उनको छुड़ाने के लिए ब्रिटेन से लड़ रहा था। ठीक है, और साथ में अपना दिखावा तो उन्हें करना ही था, जबकि भाई राजा हैं उनकी शान और शौकत को बनाए रखना पड़ेगा शो ऑफ करने के लिए, तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिवरे क्या है। तो देखिए, लिवरे फ्रांस की मुद्रा है, या फिर फ्रांस का झंडा है, या फिर फ्रांस के राजमहल का नाम है, या फिर फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री का नाम है। तो देखिए, जो लिवरे है वो फ्रांस की क्या थी, अब आप मुझे बताइए क्या थी, सोचिए आप क्या थी अपने मन में। जी, जो लिवरे थी वो फ्रांस की मुद्रा थी। ठीक है, वहाँ पे जो फ्रांस में करेंसी चलती थी उसको लिवरे कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। ये देखिए, मैं आपके लिए एक इमेज लेकर आई हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता था लिवरे। ठीक है, जैसे भारत की करेंसी में लिखा होता ना भारतीय रुपया, उसी प्रकार से फ्रांस के जो करेंसी थी उसमें लिखा होता लिवरेज। अगला क्वेश्चन है,
13 अमेरिकी उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त करवाने के कारण फ्रांस पर कितना कर्जा आ गया था। तो अभी मैंने बताया कि जो आपका फ्रांस है वो बहुत सारे वॉर्स में शामिल था, लड़ाइयों में शामिल था। तो जब वो लड़ाई कर रहा था, ब्रिटेन से लड़ाई कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे जो ब्रिटेन ने अमेरिका में अपने गुलाम देश बनाए हुए थे उनको आज़ाद करवाने के लिए। ये मत सोचना कि ब्रिटेन ने सिर्फ भारत को ही गुलाम बनाया था। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जिसने विश्व के मतलब आधे से ज़्यादा देशों में जो है अपना शासन किया था। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो ब्रिटेन है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। कभी ब्रिटेन किसी का गुलाम नहीं बना, लेकिन इसने बहुत लोगों को, बहुत देशों को अपना गुलाम बनाया है। ठीक है, तो वैसे ही उसने अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया था, अमेरिका के 13 देशों को अपना गुलाम बना लिया था। तो फ्रांस जो है उन अमेरिकी देशों की मदद करता है ब्रिटेन के गुलामी के चंगुल से बचकर निकलने की। तो ऐसा करते टाइम फ्रांस को जो है एक बहुत बड़ा कर्जा जो है कर्जा लेना पड़ता है। तो कितना कर्जा लेना पड़ता है आप बताइए, 10 अरब लिवरे, 11 अरब लिवरे, 100 अरब लिवरे या फिर 15 अरब लिवरे? हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो ब्रिटेन है वो 10 अरब लिवरे का कर्जा लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 10th क्वेश्चन है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो देखो, जो 18वीं सदी में जो है फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभाजित था? एक में, दो में, तीन में या फिर चार में? तो बताइए आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर। शायद आपने ध्यान नहीं करा, मैंने आपको एक इमेज भी अपने स्टार्टिंग में लगाई थी, वो थी ये। देखो, फ्रांसीसी जो समाज था वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, पहला एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। तो यहाँ पे वर्ग को जो है एस्टेट कहा गया है और फ्रांस का समाज तीन वर्गों में विभाजित था। आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा अभी और करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 18वीं सदी में फ्रांस का जो समाज था वो तीन वर्गों में विभाजित था। ठीक है, अब देखो, प्राचीन राजतंत्र ओल्ड रिजिम पद जो है या ओल्ड रिजिम शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये देखिए, आपके पेपर में या तो डायरेक्ट सिर्फ ओल्ड रिजिम पूछ लेगा या फिर वो प्राचीन राजतंत्र भी बोल सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि इस शब्द का इस्तेमाल किस लिए होता है। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, लुई सोलवा की शासकीय प्रणाली के लिए, पूर्व वंश के राज परिवार के लिए, 1779 से पूर्व के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर एक और दो, दोनों ही। अब आप बताइए क्या है आपके अनुसार इसका आंसर, आप सोचिए। हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1779 से पहले मतलब क्रांति होने से पहले फ्रांस का जो समाज था वो जिस तरीके का था, वो तीन वर्गों में विभाजित एक समाज था, उस पूरे समाज के लिए, इस सामाजिक ढांचे के लिए ओल्ड रिजिम शब्द का इस्तेमाल होता था। अगला क्वेश्चन है, एस्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि वर्ग को जो है फ्रांस में क्या कहा जाता था, अलग अलग वर्ग को, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। तो वर्ग जो है उसके लिए एस्टेट शब्द का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फ्रांस के अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए विभाजन के लिए एस्टेट शब्द का इस्तेमाल होता था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में आपके कौन कौन आते थे वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्रांसीसी समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो मैंने आपको बताया ना कि तीन वर्गों में विभाजित एक समाज था, तो वहाँ पर एक सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, वर्गों में बटे हुए समाज को एक सामंती समाज कहते हैं। और सामंती व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाज में दो या दो से अधिक वर्ग होते हैं, और जो ऊपर का वर्ग होता है यानी कि जो पहला वर्ग होता है वो अपने से नीचे वाले वर्ग के ऊपर शासन करता है, कई बार वो उसका निर्ममता से शोषण भी करता है। ठीक है, तो फ्रांस में जो है सामंती व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि ऊपर के जो दो वर्ग थे ना, प्रथम वर्ग में पादरी थे, चर्च के पादरी, द्वितीयक वर्ग में कुलीन वर्ग थे जो राजा के अधिकारी वगैरह या राजा के परिवार से ही होते थे। तो ये दोनों लोग मिलके फ्रांस के तृतीयक एस्टेट का जो है क्या करते थे, शोषण करते थे, उनके ऊपर जो है अपनी हुकूमत चलाया करते थे। तो ऐसे ही शोषणवादी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एक सामंती व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था किसे कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था इंडिया में थी, इसमें एक जमींदार होता है, वो अपने से अंडर के जो किसान होते हैं उनसे काम करवाता है, काफी हद तक सिमिलर ही होती है, लेकिन सामंतवादी जो व्यवस्था होती है थोड़ी सी ज्यादा शोषणकारी होती है।
अगला प्रश्न है सामंतवाद क्या है। तो देखिए, यूरोप में जो अस्तित्ववान सामाजिक व्यवस्था थी उसे बोला जाता है सामंतवाद। सामंतवाद का जो अस्तित्व है भारत में बहुत ही कम था, या फिर कई बार कुछ इतिहासकार उसको नहीं भी मानते कि भारत में सामंतवाद था, लेकिन यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था प्रारंभ से ही व्यापक थी। ये ब्रिटेन में भी देखने को मिलती है और फ्रांस में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है पादरी किस एस्टेट के अंतर्गत आते थे। तो मैंने आपको बताया कि पादरी जो है वो प्रथम में आते थे, द्वितीयक में आते थे, तृतीयक में आते थे या फिर चतुर्थ में आते थे, तो बताइए आप। हाँ जी, जो पादरी है वो किस में आते थे, पादरी आते थे आपके ऑप्शन नंबर ए, प्रथम वर्ग में आते थे। पादरी जो है फर्स्ट एस्टेट में आते थे। इसमें पादरी में कौन कौन, चर्च के पुरोहित, पास्टर, पादरी वगैरह सब शामिल होते थे। अब पादरी कौन होते हैं आपको पता ही होगा आई होप। देखो, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, मुस्लिम्स में मौलाना होते हैं, उसी तरीके से जो क्रिश्चियंस होते हैं उसमें जो है पादरी होते हैं। ठीक है, अगला है द्वितीयक एस्टेट में कौन कौन से लोग शामिल थे। तो देखो, द्वितीयक एस्टेट में कौन लोग शामिल थे, द्वितीयक एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजा के जो परिवार वाले लोग होते थे या राजा के राज दरबार के जो अधिकारी होते थे वो सब इसमें शामिल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित था जिसमें से सिर्फ डैस एस्टेट को लोग ही कर देते थे। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन कर देता था, प्रथम एस्टेट देते थे, द्वितीयक एस्टेट देते थे, तृतीयक एस्टेट देते थे, पादरी या कुलीन वर्ग देते थे, या फिर द्वितीयक एस्टेट देते थे। तो अब आप बताइए कि आपके अनुसार इसका क्या उत्तर ठीक रहेगा। हाँ जी, तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जो तृतीयक एस्टेट के लोग होते थे वो ही सिर्फ कर दिया करते थे। देखो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रांस में एक सामंतवादी व्यवस्था थी और सामंती जो ढांचा होता है वो बहुत ही शोषणकारी होता है, जिसमें जो ऊपर के वर्ग होते हैं ना वो नीचे वाले दबे हुए वर्ग का शोषण करते हैं। तो फ्रांस में भी क्या होता था कि जो ऊपर के दो वर्ग थे, एस्टेट, प्रथम एस्टेट और तृतीयक एस्टेट, यानी कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, ये लोग क्या करते थे, तृतीयक एस्टेट के लोगों को ना एक तरीके से कर के जो भी सारा कर होता था ना, करों का जो बोझ है वो सिर्फ तृतीयक एस्टेट के ऊपर डाल दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से उनका खून पसीना चूसने में ये लोग लगे हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि फ्रांस का जो ढांचा था बहुत ही असमानता भरा ढांचा था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में भूमि का बंटवारा किस तरीके से हुआ है। तो ये भूमि है, ठीक है, ये भूमि है, भूमि का बंटवारा किस प्रकार से किया गया था। तो देखिए, 60% भूमि पर कृषकों का अधिकार था, 60% भूमि पर चर्च में पादरी का अधिकार था, 60% भूमि पर कुलीन, चर्च और तीसरे एस्टेट का हक था, या फिर 10% भूमि पर ही कृषकों का अधिकार था, या 10% भूमि ही कृषकों के अधीन थी। तो अब आपको मैंने बताया कि फ्रांसीसी समाज का था बहुत ही असमानता भरा था, तो बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत सारे स्मार्ट से बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 में टिक करके चले जाएंगे, और इसी के साथ आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक, 60% भूमि कुलीनों के पास थी, चर्च के पास थी और तृतीयक एस्टेट के पास थी। अब आप बोलेंगे कि मैम, अभी तो आप बोल रहे थे कि तृतीयक एस्टेट जो है वो क्या होता है, दबा कुचला वर्ग होता है, तो उनके पास इतनी भूमि कैसे आ सकती है। तो देखो, तृतीयक एस्टेट में सिर्फ गरीब लोग ही शामिल नहीं थे, इसमें कुछ व्यापारी, ठीक है, व्यापारी, वाणिज्यक, विद्वान, लॉयर, टीचर्स भी शामिल थे जिनके पास थोड़ा बहुत धन था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुलीन वर्गों की ही तरह थे, लेकिन इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि तृतीयक एस्टेट ही सिर्फ कर देती थी। ठीक है, तो एक तरीके से कुलीनों से इनका भेद कैसे हुआ कि तृतीयक एस्टेट को कर देना पड़ता था। तो तृतीयक एस्टेट को इसी बात की खुन्नस थी कि भाई, पैसे में तो हम कुलीनों के समान हैं, लेकिन फिर भी हमको कुछ जो जन्म से विशेष अधिकार पादरी और कुलीनों को मिलते हैं वो हमें नहीं मिलते। ठीक है, इसी की मांग में जो है आपका एक मध्यम वर्ग का उदय होगा जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, 60% भूमि जो है वो कुलीनों के पास, चर्च के पास और तृतीयक एस्टेट के पास थी, और तृतीयक एस्टेट के भी धनी संपत्तिवान लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी, 45%, 60%, 75% या फिर 90%, 90%। तो बताइए आप, आपके अनुसार क्या होगा इसका आंसर, सोचिए आप। हाँ जी, जो फ्रांसीसी समाज है वहाँ पे 90% जनसंख्या जो है वो किसानों की थी, और किसानों के पास आपको जानकर हैरानी होगी कि जनसंख्या का 90% किसान है, लेकिन पूरी भूमि का, फ्रांस की कुल भूमि का सिर्फ 10% एरिया ही इन
किसानों के पास बेचारों के पास हुआ करता था और इनके ऊपर करों का भार भी था। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी जो हालत थी वो कितनी लाचारी भरी थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसे राज्य को दिए जाने वाले कर से छूट प्राप्त थी? तो बताइए, इसका आंसर तो आप खुद ही बता देंगे, इतने स्मार्ट तो हो ही गए होंगे आपको पढ़ते 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 आप मेरे साथ। पादरी, कुलीन वर्ग, वकील, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों? जी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है कि जो पादरी है यानी कि प्रथम एस्टेट और कुलीन वर्ग यानी कि द्वितीयक एस्टेट, ये दोनों ही एस्टेट के वर्ग जो हैं राज्य को दिए जाने वाले कर से बिल्कुल मुक्त थे, ठीक है, बल्कि इन्हें तो कर वसूलने का अधिकार था। इसमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर था? तो देखो, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें से राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा हुआ करता था। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, प्रत्यक्ष कर और राज्य को दिए जाने वाला कर बिल्कुल एक ही है। अब देखो कैसे आप ऑप्शन को छांटेंगे, मैं आपको करने का तरीका बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि एस्टेट क्या होता है। एस्टेट तो फ्रांस में जो वर्ग की व्यवस्था थी, अलग अलग वर्ग को कहते थे, तो ये तो कोई कर हो नहीं सकता, तो आप ऑप्शन नंबर चार को तो ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। अब बचा लिवरे। लिवरे क्या होती है? मैंने आपको बताया कि वो तो फ्रांस की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर तीन भी काट देंगे। अब आपका काम आसान हो गया, आपको सिर्फ जैसे केबीसी में 50-50 होता है ना, अब आपको 50-50 खेलना, ठीक है। इन दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन है आपका, कौन सा? अब आप बताइए, सोचिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका। ऑप्शन नंबर टू आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइल जो है, टाइल एक ऐसा कर था जो राज्य को दिया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पादरियों द्वारा लगाए जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि पादरी जो थे उनको गेट जो है कर वसूलने का अधिकार था, तो पादरियों के द्वारा लगाए जाने वाला धार्मिक कर आपका टाइड था। टाइल तो राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था, लिब्रे वहाँ की करेंसी थी, और एस्टेट फ्रांस में वर्ग को बोलते थे, तो टाइल इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 1715 में फ्रांस की आबादी जो 2.3 करोड़ थी, 1779 में बढ़कर कितनी हो गई थी? तो वो आपके बताइए, 3.5 करोड़ हो गई थी, 3.8 करोड़ हो गई थी, या फिर 2.8 करोड़ हो गई थी, या फिर 2.5 करोड़ हो गई थी? तो बताइए आप, इसका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की आबादी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जो 1715 में 2.3 करोड़ थी, 1789 में बढ़कर कितनी हो गई? 2.8 करोड़ हो गई। लेकिन जितनी तेज़ी से फ्रांस की आबादी बढ़ रही थी ना, उतनी तेज़ी से फ्रांस में कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। तो अब आप सोचो, जनसंख्या दिन पर दिन लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन खाना नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा? खाने के लिए लड़ाई तो होंगी ना, झपटे होंगी खाने के लिए, तो क्या हुआ? खाद्यान्न संकट पैदा हो गया, ठीक है, अकाल पड़ने लगे, भुखमरी फैल गई। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि जीविका के संकट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो, जीविका का संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने की न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, ठीक है। मतलब रहने के लिए लोगों को खाना, रहने के लिए तो छोड़ो भाई, खाना खाने के लिए साधन ही नहीं होते हैं उनके पास, खाना कम पड़ जाता है, ठीक है, जिंदा कैसे रहेंगे, वो सब स्थितियाँ खतरे में पड़ जाती हैं। महंगाई के कारण खाद्य पदार्थ खरीद पाने में असमर्थता। अब देखो, लोग बढ़ रहे हैं लेकिन खाना तो कम हो रहा है, अब खाना कम हो रहा है तो क्या होगा, खाने के प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। खाना तो महंगा हो रहा है लेकिन लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, मतलब पेमेंट नहीं बढ़ रही है, तो क्या होगा, खाना खाने के लिए लोगों के अंदर एक झड़प होगी, लड़ाइयाँ होंगी, तो बेचारे असमर्थ हो जाएंगे जो गरीब लोग हैं, ठीक है। सूखे या ओले के कारण फसल की उपज में कमी के कारण कृषकों की आय व सामान्य जनता के लिए खाद्य पदार्थ की कमी। अब देखो, मैंने आपको बताया कि भाई जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन खाना खाने के लिए खाद्य पदार्थ कम पड़ रहे थे, तो खाद्य पदार्थ कम क्यों पड़ रहे थे? प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे सूखा पड़ रहा था, ओले आ रहे थे, तो इनकी वजह से क्या हो रहा था, खाने की कमी हो रही थी, ठीक है। तो सामान्य जनता जो थी वो क्या कह रही थी, अपने खाना नहीं खरीद पा रही थी। और नेक्स्ट है, शासक वर्ग द्वारा जनता पर जीविका अर्जित करने पर प्रतिबंध लगाना। तो देखो, ये तो कोई भी सरकार नहीं करेगी, कोई भी राजा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर मान लो कोई भी राजा अपनी जनता पे, जनता के द्वारा कमाए जाने पर ही रोक लगा देगा, जीविका अर्जित करने का मतलब होता है पैसा कमाना, अब पैसा कमाने पर ही रोक लगा देगा, तो फिर वो खुद उनसे क्या टैक्स वसूलेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पर आपका वन ठीक हो जाएगा, टू भी ठीक है और थ्री भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका वन, टू और थ्री दोनों, तीनों ठीक हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो वन टू थ्री, तो वन थ्री टू, तो ऑप्शन नंबर वन ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीविका संकट मतलब समझ गए हैं आप, ठीक है, सस्टेनेबल क्राइसिस बोलते हैं इसको।
सॉरी सब्सिडरी क्राइसिस बोलते हैं, सब्सिडरी क्राइसिस। ठीक है, अगला है, फ्रांस में कब एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ? तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखो मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ था, तब हुआ था जब तृतीयक वर्ग के कुछ लोग पढ़ लिख गए थे, संपत्तिवान हो गए थे, और जब वो पढ़ लिख गए तो उन्हें पता लगा कि भाई पादरी और कुलीन वर्ग मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं, मिलकर हमारा क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो वो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, हमसे टैक्स और वसूलते हैं, खुद इतने अमीर हो गए हैं कि 60% भूमि पर उनका ही जो है दबदबा है, और जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, किसानों की ज़्यादा है, और खुद उनके पास 10% भूमि है, तो उन्हें लगा कि ये असमानता भरा समाज क्यों है, हमें भी तो समान रूप से रहने का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी तो इंसान हैं, और क्यों पादरी और कुलीनों को जन्म से अधिकार मिले हैं, विशेष अधिकार, तो इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया। और कब किया, जब ये मध्यम वर्ग का उदय हो गया, तो कब हुआ था, 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है, तभी तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 1789 तो कब पड़ेगा, 1789 आपका पड़ेगा 18वीं सदी में और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी थी, रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू ने, लॉक ने, या फिर वॉल्टेयर ने, तो अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका सही आंसर। जी, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लॉक, इसका इनका पूरा नाम है जॉन लॉक, मैं लिख देती हूँ जॉन लॉक कैसे लिखना लिखते हैं, जॉन और ये लॉक, ठीक है, जॉन लॉक जो थे उन्होंने इस किताब को लिखा था, और ये एक फ्रांसीसी समाज के विद्वान थे, ठीक है, और इन्होंने जो है, इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने भी समानता की बात की थी कि क्यों विशेष अधिकार मिले हुए हैं कुछ लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज का क्या मतलब है, इस बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें जो किसने लिखी है, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, ठीक है, तो जो मॉन्टेस्क्यू है इसमें लोगों के अंदर एक चेतना पैदा करना चाहते हैं कि कैसे एक समानता भरा समाज जो है लाया जा सकता है। द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो मॉन्टेस्क्यू हैं वो क्या बात करते हैं, देखो वो ये बोलते हैं कि जो राजा सर्वे सर्वा है ना, उसको नहीं होना चाहिए, मतलब राजा को कोई दैवीय अधिकार नहीं होने चाहिए और एकाधिकार राजा का नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो सर्वोच्च स्तर सर्वोच्च रूप से राजा बैठा हुआ है ना, सारे निर्णय वो लेता है, ऐसा ना हो के सरकार को तीन भागों में बांटो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे से अलग होंगे और आपस में मिलकर काम करेंगे। तो ये वर्तमान में भारत में स्थिति, वर्तमान में भारत का जो ढांचा है, शासन का जो ढांचा है, वो इसी प्रकार का है, ठीक है, और इसको किसने पेश किया था, मॉन्टेस्क्यू ने पेश किया था, ठीक है। अपनी किताब स्पिरिट ऑफ द लॉज में क्या बात कही है मॉन्टेस्क्यू ने, तो देखो हम आपको बता चुके हैं कि ऑप्शन नंबर वन आप टू आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसमें है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सत्ता बंटवारे की बात कही है। देखो कुछ महामुन ऐसे होंगे जो कुछ भी लगा देंगे, भाई समानता आधारित समाज की बात करिए, किसने, स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने, लेकिन नहीं, आपको यहीं पे बहुत ही बारीकियों से देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मध्यम वर्ग वाला पोर्शन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स के नाम आएंगे, ठीक है, और किसने अपनी बुक में क्या बात कही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जॉन लॉक ने क्या बात कही थी, जॉन लॉक ने जो राजा के दैवीय सिद्धांत होते हैं उसके खंडन करने की बात कही थी, ठीक है। तो बस आज की जो हमारी वीडियो थी वो सिर्फ इतनी थी, इसके नेक्स्ट पार्ट में और आपके लिए लेकर आऊँगी, तो ऐसे करके करते हम आपका पूरा चैप्टर जो है क्विक रिविज़न कर लेंगे, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वैसे तो, और फिर आपको टिक मार्क जो है अपने आप से लगाने की प्रयास करने पड़ेंगे। अब देखो, एक तो आप वीडियो को अभी देख लीजिए, फिर अपने पेपर से एक या दो दिन पहले इसको देख लीजिएगा, आपका रिविज़न हो जाएगा, और अगर आप एंड तक सारी सीरीज के पार्ट देखते हैं, देखो एक चैप्टर आएगा हिस्ट्री का, ठीक है, तो मेरे को तो नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है, चैप्टर के सॉरी वीडियो के सारे पार्ट देखो, आपका ऐसे ही बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं कि मैं कैसे आपके लिए एकदम अच्छा कंटेंट लेकर आ रही हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।